पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ममता बनर्जी ने तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। टीएमसी ने कुल 213 सीटें जीती थी, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही राज्य में कई जगह पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर देखने को मिली। सोशल मीडिया पर यह मसला छाया हुआ है, इससे जुड़ा बहुत सारा कॉन्टेंट शेयर किया जा रहा है। इसी बीच एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया जिसमें एक भीड़ बंदूकें, तलवार और चाकू लहराते हुए किसी गाने पर नाचती दिख रही है। जब आप गाना सुनते हैं तो मालूम होता है कि ये खेला होबे गाना है। खेला होबे 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का दिया नारा था, जिसके बारे में काफी बात हुई। बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो चुनाव परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों का है और वो बंदूकें और चाकू खुलेआम लहराते हुए खेला होबे गाने पर नाच रहे हैं और अपने विरोधियों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज प्रीति गांधी ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ शेयर किया। भाजपा दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी कुलजीत सिंह चहल ने भी ये वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने इसे टीएमसी का जश्न बताया। कॉलमिस्ट शेफाली वैद्य और भाजपा समर्थक अशोक पंडित ने भी ऐसे ही ट्वीट किए। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, ये हम आपको बताते हैं। ऑल्ट न्यूज ने जब वीडियो के फ्रेम्स का रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमें इंस्टाग्राम का एक लिंक मिला। हमने चेक किया तो मालूम पड़ा कि ये वीडियो उस इंस्टा हैंडल पर 26 सितंबर 2020 को पोस्ट किया गया था, मगर बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा था वो गाना कुछ और ही था। आप इंस्टा हैंडल पर मिलने वाला ये वीडियो देखिए। YouTube पर भी ये वीडियो 27 सितंबर 2020 को अपलोड किया गया था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि खेला होबे गाना देवांशु भट्टाचार्य ने लिखा था, जो 2021 में रिलीज किया गया था। इस हिसाब से सितंबर 2020 में अपलोड हुए एक वीडियो में पीछे खेला होबे गाना हो ही नहीं सकता है। यानी इस वीडियो में किसी और ऑडियो के साथ किसी और मौके के दृश्य लगाए गए हैं। यानी एक भ्रामक वीडियो के दम पर पश्चिम बंगाल में हिंसा की एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है जो शेयर करने वालों के एजेंडे को मजबूती दे सके। सनद रहे कि इस वीडियो को शेयर करने वालों में मुख्यतः भाजपा से जुड़े या उसके समर्थक शामिल हैं। ऑल्ट न्यूज की दर्शकों से गुजारिश है कि किसी भी वीडियो, फोटो, न्यूज आर्टिकल को शेयर करने से पहले उससे जुड़े तथ्यों को जांचें और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का मोहरा बनने से खुद को बचाएं।